नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं और किन किन लोगों के लिए ये योजना है और इसका अधिकतम लाभ कितना है, यानी कि अगर आप इस योजना में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो 10 साल से छोटी बालिकाओं के लिए है। अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं तो उनको उसमें आपको कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा, बहुत कम मात्रा में, लेकिन जब वो 21 वर्ष की या 18 वर्ष की हो जाएंगी उस समय तक आपको उसके खाते में 70 लाख रुपए हो जाएंगे। वो 70 लाख रुपए आपको कैसे प्राप्त करने हैं सारा कुछ मैं यहां पर डिटेल्स में बताऊंगा, तो ध्यान पूर्वक इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके घर में जो बालिकाएं हैं जो लोगों को बोझ लगती हैं वो फिर बोझ नहीं लगेंगी, क्योंकि 70 लाख रुपए उनके अकाउंट में गवर्नमेंट देगी, वो भी ब्याज के तौर पर, और वहां पर आपको कोई टैक्स भी नहीं देना है। ठीक है, तो चलिए उस योजना को अब डिटेल्स में समझते हैं। ठीक, तो चलिए जैसा कि मान लीजिए आपने उस योजना में पार्टिसिपेट कर लिया है, ठीक है, मान लीजिए आपने सुकन्या समृद्धि योजना में पार्टिसिपेट कर लिया है तो आपको करना क्या होगा, आपको क्या करना होगा, न्यूनतम जमा राशि 250 रुपए एक वित्तीय वर्ष में, मतलब कि एक वर्ष में आपको मिनिमम, मतलब कम से कम एक वर्ष में आपको 250 रुपए उस खाते में जमा करने पड़ेंगे एक वर्ष में। ठीक है, और अधिकतम जमा राशि आपको क्या कितनी करना है, 1.5 लाख रुपए। आप न्यूनतम मतलब कम से कम आपको 250 रुपए करना है और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, 1.5 लाख रुपए करना है। क्लियर, चलिए दूसरा पॉइंट है, खाता किसी बालिका के नाम पर उसके 10 वर्ष की आयु होने तक खोला जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बालिका जो है उसकी उम्र 10 वर्ष से कम होना चाहिए, चाहे वो 2 वर्ष की हो, 5 वर्ष की हो, 7 वर्ष की हो, तो वो इस योजना का लाभ ले सकती है। ठीक है, क्लियर, एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है, एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक खाता स्टेट बैंक में खोल दिया वहां पर भी आप इसका लाभ ले रहे हैं, एक खाता आपने मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में खोल दिया वहां पर भी आप उसका लाभ ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। एक बालिका के लिए सिर्फ एक ही खाते पर लाभ मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में 2 लड़कियां हैं तो 2 लड़कियों के लिए आप अलग अलग खाता खोल के उस पर दोनों लड़कियों के लिए आप वहां पर इसका लाभ ले सकते हैं। क्लियर, चलिए, खाता डाक घरों और अधिकृत बैंकों में खोला जा सकता है। खाता या तो पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं आप या किसी भी अधिकृत बैंक यानी किसी भी सरकारी बैंक में आप खाता खोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में खाता धारक की उच्च शिक्षा के उद्देश्य से शिक्षा व्यय को पूरा करने के लिए इसकी निकासी की अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह है कि खाता धारक मतलब कि जो कन्या जिसने इस योजना में पार्टिसिपेट किया है, अगर वो उच्च शिक्षा मतलब कि वो ऊंची पढ़ाई करना चाहती है, मान लीजिए जहां पर फीस 2.5 लाख, 3 लाख, 10 लाख ऐसे फीस लगती है, तो वो इस खाते में से पैसे निकालकर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकती है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती है। ठीक है, क्लियर, चलिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बालिका की शादी होने पर खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है। देखिए यहां पर यह है कि खाता जो है इसकी मिनिमम एज कितनी है, मतलब खाते की जो एज है वो कितनी है, 21 वर्ष की है, मतलब 21 वर्ष तक ये खाता रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए 18 साल में बालिका की शादी हो जाती है तो शादी के समय आप वो पूरा पैसा निकाल सकते हैं और उस खाते को बंद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लीजिए 21 साल होने के बाद में शादी करते हैं तो 21 साल में जो खाता है वो अपने आप क्लोज हो जाएगा, वो पैसा आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में खाते को भारत में कहीं भी एक डाकघर से या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है आसानी से। ठीक है, खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष की अवधि पूरे होने पर खाता परिपक्व हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्कीम कितने वर्ष के लिए है, 21 वर्ष के लिए है, 21 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो ये खाता अपने आप क्लोज हो जाएगा, उसके पैसे आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है जमा राशि आईटी एक्ट की धारा 80C के तहत कटौती के लिए योग्य है। इसका मतलब समझिए कि यहां पर जो जमा राशि है वो टैक्स के लिए, मतलब उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, समझ रहे हो, ये कितना है, ये टैक्स फ्री है, मतलब जितना भी रुपया हो जाएगा उसका आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, खाते में अर्जित ब्याज आईटी एक्ट की धारा 10 के तहत आयकर से मुक्त है, मतलब इसमें कोई भी टैक्स आपको नहीं देना। ठीक है,
तो ये इतनी शर्तें हैं जो आपने पढ़ ली होंगी, इसका उपयोग कहां कहां पर किया जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि 70 लाख रुपए आपको कैसे मिल जाएंगे। देखो, इसके लिए मैंने यहां पर ये पूरा चार्ट बनाया हुआ है कि राशि वार्षिक वर्ष में, मतलब कि आपने मान लीजिए एक वर्ष में आपने 1000 रुपए जमा किए, ठीक है, मान लीजिए आपने 1000 रुपए जमा किए एक वर्ष में, तो 14 साल में वो राशि कितनी हो जाएगी, 14000 हो जाएगी, ठीक है। और मैच्योरिटी राशि मतलब 21 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाएगी, 46821, ठीक है, 46821 हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब देखो, अगर आप उसको 14 वर्ष में निकालेंगे तो वो 14000 होगी, ठीक है, और 21 वर्ष में पूरा निकालेंगे तो वो 46821 हो जाएगी, ठीक है, मतलब उसमें ब्याज भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में मान लीजिए आप यहां पर 2000 रुपए डालते हैं तो 14 वर्ष में कितनी होगी, 28000, 14 × 28000 हो जाएगा, ठीक है। और मैच्योरिटी यानी 21 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 93643, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको ब्याज प्लस होकर मिलेगा 21 वर्ष में, ठीक। चलिए, इसके बाद में 5000 रुपए जमा करते हैं तो आपका 14 वर्ष में 70000 रुपए जमा होगा और आपको मिलेगा 2,34,107 रुपए। इसी प्रकार से अगर आप एक वर्ष में 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं, 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो 14 साल में कितने हो जाएंगे, 21 लाख रुपए आपके जमा हो जाएंगे। और जब आपका 21 वर्ष पूरा होगा उस समय आपको 70,23,219 रुपए मिलेंगे। समझ रहे हैं आप इस कैलकुलेशन को, 70,23,219 रुपए आपको सुकन्या समृद्धि योजना से आपकी बालिका के लिए मिलेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन है ये खुद गवर्नमेंट का कैलकुलेशन है जो यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ से आप इस प्रकार से जो है सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले सकते हैं। तो मैंने जो जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर से पूछिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर से देंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।